हेलो दोस्तों, आज हम UP SSC JEE सिविल का प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर फॉर ए वेल ग्रेडेड सॉइल मस्ट बी इन द रेंज। यहां पर आपसे पूछा है कि आपकी जो सुवर्गीय सॉइल होती है उसके लिए वक्रता गुणांक किसके बीच में होना चाहिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 0.5 से लेके 1.0 तक, या 3.0 से लेके 4.0 तक, 4.0 से लेके 5.0 तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका दिए गए ऑप्शन में से विकल्प डी जो है आपका वो सही रहेगा। यहाँ पर एक पॉइंट और आपको याद रखना होगा, आपकी जो वेल ग्रेडेड सॉइल होती है उसका समानता गुणांक जो है वो 15 से ज़्यादा होगा। अब हम यहाँ पर कुछ बातें D4 डिटेल में जानेंगे। जो आपकी वेल ग्रेडेड सॉइल होती है उसके प्रत्येक साइज के कण जो भी होते हैं वो एक निश्चित प्रतिशत में उपलब्ध होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपकी जो वेल ग्रेडेड सॉइल होती है उसका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो किस शेप में होगा, तो ये होगा एस कर्व शेप में। और यहाँ पर अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। आपकी जो वेल ग्रेडेड सॉइल होती है उसके लिए कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू जो होगी वो 1 से लेके 3 के बीच होती है, यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। इससे संबंधित अगला पॉइंट और हम करेंगे। आपका जो कोफिशियंट ऑफ कर्व वेचर होता है उसका यूज PHD कर्व की शेप का पता करने के लिए करते हैं। और आपकी जो वेल ग्रेडेड सॉइल होती है उसके लिए जो आपका यूनिफॉर्मिटी कोफिशियंट होता है उसकी वैल्यू जो है वो 15 से ज़्यादा होती है। यहाँ पर आपको अब और कुछ पॉइंट दे रखे हैं। यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है यूनिफॉर्मिटी कोफिशियंट की 5 से कम, 5 से लेके 15 तक, और 15 प्लस, ये आपकी कहलाएगी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, पुअरली ग्रेडेड सॉइल और वेल ग्रेडेड सॉइल। ये पॉइंट भी आपको तीनों याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, पॉइज इज द यूनिट ऑफ, पॉइज जो है वो किसकी यूनिट है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं मास डेंसिटी की, काइनेटिक विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी की, या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट की। तो पॉइज यूनिट है विस्कोसिटी की, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। यहाँ पर इससे संबंधित कुछ और पॉइंट हम करेंगे। विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर, या पास्कल सेकेंड भी होती है। यहाँ पर आपको कुछ डिफिनेशंस दे रखी हैं, किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उसकी एक सतह दूसरी सतह पर फिसलने में विरोध होता है वो क्या कहलाता है, उसे कहते हैं विस्कोसिटी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए पारे की श्यानता पानी से कम होती है ज़्यादा होती है, तो ये अधिक होती है। पानी की श्यानता जो है वो वायु से ज़्यादा होती है। एल्कोहल की श्यानता पारे से कम होती है। ये भी सभी पॉइंट जो हैं आपको याद रखने होंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट और आपको याद रखने होंगे, आपके विस्कोसिटी की यूनिट, और आपको नीचे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, CJ सिस्टम में क्या कहेंगे, MK सिस्टम में क्या कहेंगे, और SI सिस्टम में क्या कहेंगे, ये भी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। नॉर्मली विस्कोसिटी की यूनिट जो है वो पॉइज ही यूज की जाती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, मैनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं
तरल के किसी पॉइंट पर प्रेशर को मापने के लिए, तरल के किसी पॉइंट पर प्रेशर को मापने के लिए, या फिर दो पॉइंट के बीच में प्रेशर मापने के लिए, या फिर आपका ऑप्शन बी और सी दोनों सही हैं। और यहाँ ऑप्शन ए में आपका प्रेशर नहीं वेलोसिटी होगा, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। यहाँ पर इससे संबंधित कुछ और पॉइंट हम करेंगे। मैनोमीटर का यूज तरल के किसी बिंदु पर दाब तथा दो बिंदुओं के बीच दाब अंतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर वह दाब मापक डिवाइस है जिसके द्वारा मापे जाने वाले द्रव के दाब को उसी द्रव या किसी अन्य उपयुक्त द्रव के स्तंभ द्वारा संतुलित करके द्रव दाब मापा जाता है। यहाँ पर इससे संबंधित कुछ और पॉइंट हम करेंगे। जो आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है उसके लिए इस इक्वेशन का यूज करते हैं। ये आपका जो वायुमंडलीय दाब होता है उसका दो गुना प्रेशर माप सकता है। यहाँ पर आपको कुछ कंडीशन दे रखी हैं। मैनोमीटर में भरे द्रव का घनत्व नाली में बह रहे द्रव की डेंसिटी से ज़्यादा होना चाहिए। आपका जो यूट्यूब मैनोमीटर होता है वो लगभग दो वायुमंडलीय दाब तक मापन में सही रहता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ ए सॉइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिपोर्टेड एज। यहाँ पर आपसे पूछा है जब किसी सॉइल की प्लास्टिक सीमा उसकी द्रव सीमा से ज़्यादा होती है तब सुघट्यता सूचकांक कैसा होता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, निगेटिव होता है, ज़ीरो होता है, नॉन प्लास्टिक होता है या फिर ननाफबो। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, ज़ीरो। यहाँ पर इससे संबंधित कुछ पॉइंट और हम कवर करेंगे। प्लास्टिक इंडेक्स का मान किसी भी स्थिति में ऋणात्मक मतलब निगेटिव नहीं होता है। आपका अगला पॉइंट दे रखा है प्लास्टिसिटी इंडेक्स बराबर लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। इसे इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स बराबर जीरो है तो आपकी जो सॉइल होगी वो प्लास्टिक सॉइल कहलाएगी। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स 7 से कम है तो ये आपकी लो प्लास्टिक सॉइल कहलाएगी। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स 7 से कम या ज़्यादा है तो ये आपकी मीडियम प्लास्टिक सॉइल कहलाएगी। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स 17 से कम है तब ये आपकी हाई प्लास्टिक सॉइल कहलाएगी। ये भी सारे पॉइंट आपको याद रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। यहाँ पर आपसे पूछा है जिस सर्वे में पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जियोडेटिक सर्वे कहते हैं, प्लेन टेबल सर्वे कहते हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहते हैं या फिर टोपोग्राफिक सर्वे कहते हैं। जिस सर्वे में अर्थ की कर्वेचर को ध्यान में रखा जाता है उसे कहते हैं जियोडेटिक सर्वे। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। आपके जियोडेटिक सर्वे से संबंधित कुछ हम जरूरी बिंदु देखेंगे। जियोडेटिक सर्वे में पृथ्वी की ऊपरी शक्ल तथा कर्वेचर का पूरा ध्यान रखा जाता है। भूमि सतह पर स्थित सभी रेखाएं, जितनी भी लाइनें होती हैं वो कर्व मानी जाती हैं और आपका जियोडेटिक सर्वे काफ़ी समय और व्यवसाध्य सर्वे होता है। आपका जो जियोडेटिक सर्वे होता है उसे ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे भी कहते हैं। भारत में यह सर्वे भारतीय सर्वे विभाग द्वारा संपन्न किया जाता है। जियोडेटिक सर्वे के लिए अधिक परिशुद्ध उपकरण
तथा विधियों का यूज किया जाता है और रैखिक मापों के स्थान पर एंगल मेजरमेंट लिए जाते हैं और कैलकुलेशन के लिए गोलीय त्रिकोणमिति का यूज किया जाता है। तो आज हमने सिविल इंजीनियरिंग के आल एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर जो आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।